सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट वाटरमेलन साथ ऑरेंज समोसे वगैरह मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? लास्ट टाइम अली मैंने आपको अपडेट की थी कि हम लोग रात को पहुंच गए थे सिंगापुर, फुल थक गए थे क्योंकि हमारी फ्लाइट पहले लेट हो गई थी। हमारे कुछ होटल का व्यू मनाजर आपको दिखाते हैं। ये व्यू दिया गया। अब हम लोग रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। अब रेडी होते हैं फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। यार सबसे बड़ी चीज अली भाई नहीं उठे। अली भाई उठो उठो, निकले यार, टाइम हो गया, उठ जाओ। मैंने वो सामने कपड़े खुद जो नहीं खोल दिए हैं, जो पसंद आता है पहन लो, चलो निकले। सामने शीशा ना, ये उसके बाल बड़े शुद्ध, ऐसी बाहर निकल दो साथ ही। अली भी शावर, कैसा रहा शावर? गर्म पानी लेकिन इसी चाल भाई, शावर वगैरह ले लिया मैंने, अब जान ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और एसी चल रहा था और एसी कर गाड़ी वाला भी वेट कर रहा है, तो एसी मैंने ऑफ कर दिया। अब हमारा इधर सारा खिलौना डला हुआ है, लेकिन बस अब शूज पहनते हैं और भाई निकलते हैं बस टूर पर। और बाहर का व्यू तो अब्दुल्ला ने आपको दिखाई दिया खूबसूरत, लेकिन इस बिल्डिंग ने अपना व्यू खत्म किया हुआ, लेकिन सामने प्लांट्स ना, लेकिन सही है, गुड वेल एंड गुड। बॉडी स्प्रे तो लगता खुशबू आ रही है। वॉशरूम में शीशा लगा हुआ है, शूज नीचे का टू खोते हैं, शीशा नहीं देता बीच। ये शूज आना ये अब्दुल्ला ने लेके आया है, लेकिन मुझे ये छोटे हैं तो इसको उतारते हैं और अपने ये पुराने वाले पहनते हैं। ये जबरदस्त है होटल माशाल्लाह, बड़ा प्यारा है। और हमारा कमरा वो आगे जाके in front you see the bridge, white bridge, right? Underneath is the first harbour. I want to show them the Empress Place view in Parliament House. The corrugator. Only show them only. Singapore Gallery, yeah? So you see the Lady Justice, you know, the triangle down there? Yeah? Normally Lady Justice has a blindfold, but here there's no blindfold because in Singapore, everyone has justice. On top is the sky park on tower 3, 2 and 1, but open to people that live there. The public can go to the one tip, the left tip. You can only go to the left tip of the sky park. I think it's about sides. This is to remember civilians in colonial days. They have tea dances and all that. An Indian movie called Krish, it was filmed here. They did a filming here. खूबसूरत गर्मी, जून जुलाई से भी हैवी वाली गर्मी है। ये जिस पुल के ऊपर से है, उस पुल के नीचे वाला व्यू चेक कर, क्या बात है यार, फुल आर्किटेक्चर की जबरदस्त। भाई साहब इतनी टका के गर्मी है, इतनी टका के गर्मी। ये कहती है कि यहाँ का टेम्परेचर हद से हद जो होता है, चार मौसम का नहीं होता, यहाँ पे हद से हद जो टेम्परेचर है वो 28 से लेके 36 तक है। मतलब अगर ठंड बर्दाश्त है ही नहीं, मैं जाके एसी की बर्दाश्त करनी है। मैं कहता हूँ इतना भैया भी मतलब है, यूरोप आ जाओ, इधर आ जाओ, यूरोप ज्यादा साफ है, कोई कचरा नजर आया ना? हमारे फाइव स्टार होटल के बाहर भी कचरा पड़ा होता है, इधर मैं हो गया हूँ ना उसके साथ, साफ सुथरा था, साफ सुथरा। यार इधर गर्मी तो बेइंतहा है, लेकिन इधर जब वीडियो बनाएंगे शूट वगैरह करेंगे ना, तो अपना रिलैक्समेंट हो जाएगी यार, इतना को खूबसूरत। कितना खूबसूरत और कितना प्यारा मुल्क है यार, इधर इतनी को ह्यूज ह्यूज बिल्डिंग्स, मेबैंक, इतना बिल्डिंग्स बेइंतहा बिल्डिंग्स, तो मैं कहता हूँ जबरदस्त। तो पता क्या बात है, ये जो सिंगापुर है, मुझे आपको तो लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता होगा वो उनके लिए ठीक है, जैसे मेरे जैसे मुझे नहीं पता था तो उनको बताने के लिए, ये एक जजीरे पे है सिंगापुर, ये इतना बड़ा नहीं है। जबरदस्त, अल्लाह ने ग्लासेस लगाई है ना, अब्दुल्ला को बचत है। ये सूरज ना, सूरज ये हमारे ना सर के ऊपर है, इतनी को तपिश है। हमारा पाकिस्तान में अलहमदुल्ला तरह तरह के मौसम है, सारे मौसम है, जैसी छाँव हुई है ना तब जाके सुकून मिल। भाई फोटो सेक्शन बड़ा कर लिया, जैसी धूप निकल सूरज निकलता है ना बादलों में से,
लग पता जाता है भाई बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ। ये सामने आप एक स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंगापुर इस पहले ये था कि जो सिंगा यानी शेर, सिंगापुर का मायने ये है, सिंगा यानी शेर, पूर यानी जहाँ पे रहते हैं हम लोग, यानी जबरदस्त। और इस पुल के नीचे कैफेटेरिया दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस कैफेटेरिया में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। इधर भाई तरह तरह के इन्होंने, इधर सारे के सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आइसक्रीम स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट किनू शिनू है भाई जान, इधर ग्रेप, ब्लैक ग्रेप्स, बनाना, इनके छोटे छोटे से माल्टे, और ये रहा कोकोनट। ये हमने थाईलैंड बड़े खाए हैं तो इधर भी है, ये भी कोकोनट, ये भी कोकोनट। और ये रहा यहाँ का 7-Eleven। 7-Eleven क्या है, जैसे हमारी सुपरमार्केट है, कैश एंड कैरी है, जहाँ से हमें हर चीज़ मिल जाती है, वैसे ये एक अमेरिकन ब्रांड है जहाँ के, जहाँ से हमें हर चीज़ मिल जाती है, जैसे अगर किसी ने कोई चीज़ लेनी हो, बिस्किट वगैरह और सब्जियाँ वगैरह भी 7-Eleven से आराम से मिल जाती है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ पे एक इन्होंने रेस्टोरेंट दिया हुआ है और जवान अंदर खा रहे हैं, तो हम खाएंगे हलाल जगह से इंशाल्लाह। अगर इधर हलाल होता तो इंशाल्लाह हलाल यहाँ से खाना था, तो हमारे होटल के पास एक पाकिस्तानी होटल है, तो इंशाल्लाह लड़का वहाँ से खाएगा दाल रोटी, तरकी वाली दाल और साग रोटी। सही बात है, इन मुल्कों में आके ना यार इस चीज़ का बड़ा क्रेज़ होता है कि यार काश इधर दाल हो, रोटी हो, अपने मुल्क में तो हम दाल का मुँह नहीं लगाते। वापसी से अपनी वैन में बैठते हैं और निकलते हैं। चलो चलो चलो, अब सूरत यहाँ स्मेल नहीं है, थाईलैंड में थी स्मेल, कम्बोडिया में भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, और यहाँ तो स्मेल ही नहीं है। सही है, यहाँ पे रोड है, अब वो वहाँ पे खड़े हुए हैं ना, रेड लाइट होना तो यहाँ से वो इधर नहीं आएंगे, यहाँ भी ऐसी है रेड लाइट होना तो यहाँ से ऐसे जा नहीं सकते यार, जैसे यहाँ पे ग्रीन साइन आएगा फिर हम वॉक कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसी है। देखा, अब ये साउंड करने लग गया और अब ये सारे जवान यहाँ आने लगे हैं, और ये कम से कम एक मिनट की है, आप एक मिनट में यहाँ से उधर जा सकते हो। और जो ये लोग हैं ना, ये अपने टाइम के बड़े ही ज़्यादा पंचुअल हैं, ये एक दो मिनट लेट हो जाए ना तो ये ऐसे कहते हैं कि हाय हमारा कितना कुछ वक्त आया होगा। अपनी जी बस पे बैठते हैं, गर्मी बड़ी ज्यादा थी बाहर। हाय सुकून, सही बात है, सुकून मिला है, अल्लाह जी अल्लाह तेरा शुक्र, इस दर बैठे हैं दोबारा। सामने चाइनीज फोटोशूट कर रहे हैं, तो पता क्या करता है, क्या ऐसे जेब से किया, ऐसे स्टिक निकाल करता। अच्छा जी, ये रहा चाइनीज टेंपल, और इनके शेड के ऊपर ना ड्रैगन्स वगैरह बने हुए हैं, ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये तो वेडिंग शूट हो रहा है, और आगे एंड तक ना ये पूरा बड़ा प्यारा, ऊपर इन्होंने भाई पूरे ड्रैगन्स वगैरह बड़ा ज़बरदस्त है, सारे फोटोग्राफर हैं, और सामने भाई ब्राइड शूट हो रहा है, अब्दुल्ला साहब वहाँ बैठ गए हैं अकेला। अब्दुल्ला तेरा भी करा दें फिर, इधर बता ऑर्डर लगा, बस जितना तू प्यारा ना सारे तुझे हाँ करेंगे। थैंक यू सो मच। अब जो हमारी टूर गाइडर हमें अंदर लेके जा रही है, क्या पुत्र जितने को तेरे चार चढ़े ना, मुझे लग रहा है यहीं पे कराना पड़ना मुझे। भाई अंदर जा रहे हैं और अंदर मेरे हिसाब से वो, आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे जॉयस्टिक लगाते हैं, हमारे जहाँ कहते हैं अगरबत्तियाँ, यहाँ पे अगरबत्तियाँ लगाते हैं, और इधर ये यानी हम दुआ करते हैं अपने रब के आगे, तो ये यहाँ पे करते हैं प्रे, और सामने भी ये लगे हुए हैं प्रे कर रहे हैं। ये ना कहते हैं रिस्पेक्ट करते हैं वाटर, पानी, आग, मेटल, इन चीज़ों को। ये रहा चाइना के, यहाँ पे खड़े हो के ना ये इधर अपनी दुआ करते हैं, इनकी बुक्स वगैरह।
ये इनके दरवाजे और इन दरवाजे के ऊपर भी एक आर्ट किया हुआ ड्रैगन। हम खेलते थे ना बेब्लड, हो जाए शुरू। ये रहा ड्रैगन। टार्जन, टाइजन, टाइजन, टाइजन। मेरा टाइजन फेवरेट था और लास्ट में जाके ना बेब्लड में काई भी फेवरेट हो गया। Let's go! ये रही मस्जिद यहाँ की। ये देखिए, ये रही मस्जिद। इसके साथ ही हिंदू टेंपल है। ये देखिए, सारे हिंदू वगैरह। मस्जिद के साथ ही हिंदू टेंपल। That is government housing, women housing, apartments. And when it was built and ready, सारा का सारा चॉकलेट्स ही चॉकलेट था यहाँ पे, कैंडीज चॉकलेट।